तो रसल फैमिली, क्या रसलमेनिया 40 एक एपिक रसलमेनिया होने वाली है या फिर रसलमेनिया पूरी तरह से रॉस्ट जाने वाली है? क्या कोडी रोड्स अपने स्टोरी को फिनिश करने वाले हैं? कोडी रोड्स बनने वाले हैं WWE के न्यू अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन? क्या कोडी रोड्स हमें रसलमेनिया आफ्टर रॉ में एज अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन दिखेंगे? क्या ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का एरा पूरी तरह से एंड हो जाएगा? तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा क्योंकि कमाल की वीडियो होने वाली है। और हाँ भाई, आपसे मैं कभी भी ये नहीं कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, बट इस वीडियो में कह रहा हूँ कि इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरा कुछ प्रॉफिट हो, भाई इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है और इस वीडियो में बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें भी हम करने वाले हैं रोमन रेंस एंड कोडी रोड से रिलेटेड। तो प्लीज़ एंड तक देखिएगा, ये कमाल की वीडियो होने वाली है। तो रसल फैमिली, अभी से रसलमेनिया 40 को होने में सिर्फ 2 वीक बचे हैं एंड ऐसे में बहुत बड़े बड़े सोर्सेस का कहना है कि ट्राइबल चीफ रोमन रेंस रसलमेनिया 40 में हारने वाले हैं कोडी रोड से एंड कोडी रोड का एरा बिगेन होगा। कोडी रोड की स्टोरी फिनिश हो जाएगी रसलमेनिया 40 में एंड ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का जो एरा चल रहा है पूरी तरह से एंड हो जाएगा और रोमन रेंस अपने टाइटल को हार जाएंगे रसलमेनिया 40 में अगेंस्ट कोडी रोड। बट ऐसा एक्चुअल में होने वाला है नहीं। तो भाई आपको बता दूं, रसलमेनिया 40 में अगर ट्राइबल चीफ रोमन रेंस हार जाते हैं अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप को तो एक बहुत ही बड़ा एंड एक बहुत ही एपिक मैच रेसलमेनिया 40 के बाद जो हमें देखने को मिलेगा रॉक एंड रोमन रेंस का, उस मैच की हाइप पूरी तरह से डाउन हो जाएगी। अब ऐसा क्यों? क्योंकि भाई अगर रोमन रेंस कोडी रोड्स के सामने हार जाते हैं तो ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का जो ट्राइबल चीफ वाला कैरेक्टर था वो पूरी तरह से एंड हो जाएगा, क्योंकि भाई पॉल ह्यूमन ने कहा था कि रोमन रेंस जब तक चैंपियन है तब तक वो ट्राइबल चीफ है। तो भाई रोमन रेंस एंड रॉक का जो मैच होगा वो हेड ऑफ द टेबल के लिए होगा, एज ए ट्राइबल चीफ के लिए होगा कि कौन सा है सुपरस्टार जो कि WWE एंड समवन फैमिली का रियल ट्राइबल चीफ है, कौन है हेड ऑफ द टेबल। तो भाई अगर रोमन रेंस चैंपियनशिप को ही हार जाएंगे तो ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का ट्राइबल चीफ वाला गिमिक ही एंड हो जाएगा। तो ऐसे में भाई एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है जिससे द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस एज ए चैंपियन ही रहने वाले हैं रेसलमेनिया 40 में एंड कोडी रोड्स हार जाने वाले हैं। अगर नेक्स्ट थिंग की हम बात करें तो भाई ये बहुत ही बिग थिंग है, ट्राइबल चीफ रोमन रेंस आज से बस 4 महीना दूर हैं जो कि हल्क होगन के रिकॉर्ड को तोड़ और बन जाएंगे WWE के मॉडर्न एरा के सबसे लॉन्गेस्ट WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन। ऐसे में भाई अब रोमन रेंस से WWE इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी तो छीनेगी नहीं कोडी रोड्स के लिए। मे बी कोडी रोड्स एक सुपर बेबी फेस हैं WWE के, बट रोमन रेंस भाई वो सुपरस्टार है जिसमें WWE बहुत ज्यादा वेस्ट की है। भाई ट्राइबल चीफ रोमन रेंस वही सुपरस्टार है जिन्होंने ब्रॉक लेसनर के रेन को तोड़ा था समर स्लैम में, और ऐसे में रोमन रेंस से इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी WWE छीनेगी नहीं, क्योंकि भाई WWE कोडी रोड से भी बड़ा ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को मानती है। WWE तब रोमन रेंस पे वेस्ट कर रही थी जब फैंस रोमन रेंस को बू कर रहे थे, रोमन रेंस को कोई भी फैंस चीयर नहीं कर रहे थे, रोमन रेंस पूरी तरह से डाउनफॉल में चल रहे थे, तब भी WWE एंड विंस मैकमैन एंड ट्रिपल एच रोमन रेंस पे वेस्ट किए थे अपना हर इंपैक्टिव एफर्ट्स। एंड देन भाई ऐसे में ट्रिपल एच को बखूबी पता है कि ट्राइबल चीफ रोमन रेंस इस टाइम WWE के सबसे हॉट पॉइंट हैं, कोडी रोड्स भी हैं। देन भाई कोडी रोड्स सिर्फ इसलिए हैं कि वो रोमन रेंस से फ्यूड कर रहे हैं। भाई कोडी रोड्स का जब ब्रॉक लेसनर के साथ फ्यूड हुआ था तो कोडी रोड्स की जो इतनी हाइप थी वो पूरी तरह से डाउन हो चुकी थी एंड डाउन चल रही थी। एंड भाई WWE को भी पता है कि कोडी रोड्स एंड रोमन रेंस का मैच होता तो फैंस पूरी तरह से मे बी कोडी रोड्स एंड रोमन रेंस का मैच एंजॉय नहीं करते, इसलिए भाई रॉक को बीच में ला दिए। एंड देन भाई आपको बता दूं, रॉक एंड रोमन रेंस का मैच तो होगा रेसलमेनिया 41 में, पूरी तरह से राइवलरी एक तरह से फ्यूड दिखाया जाएगा, एक तरह से फ्यूड क्रिएट होगा। एंड देन भाई कोडी रोड्स का मे भी चांस नहीं रेसलमेनिया 40 में जीतने का, और भाई जितने लोग कोडी क्राई बेबी हैं मे भी वो एक बार फिर से डिसअपॉइंटेड हो सकते हैं, और भाई जो ये वीडियो देखा होगा वो भी डिसअपॉइंटेड हो गया होगा मे भी, मुझे गाली भी पड़ जाए कमेंट में, बट कोई बात नहीं। भाई रियलिटी तो यही है कि रोमन रेंस चैंपियनशिप को रिटेन करेंगे रेसलमेनिया 40 में भी और हिस्ट्री क्रिएट करेंगे। भाई ट्राइबल चीफ रोमन रेंस लिख के ले लो, कोडी रोड्स को फिर से एक बार डिथ्रोन करने वाले हैं। मैं भी कोडी रोड्स के लिए मुझे बहुत ही बुरा लगेगा फिर से, बट भाई कोडी रोड्स अभी WWE के चैंपियन बनने ही नहीं वाले हैं, वो रोमन रेंस के बाद चैंपियन बन सकते हैं बट अभी के टाइम पे नहीं। WWE का एक हॉटेस्ट पॉइंट चल रहा है इस टाइम। एंड देन भाई ऐसे में अगर कोडी रोड्स रोमन रेंस को हरा देते हैं तो भाई WWE का जो टॉकिंग पॉइंट है पूरी तरह से एंड हो जाएगा। तो मे भी भाई रेसलमेनिया आफ्टर रॉ में आपको ट्राइबल चीफ ही देखने को मिलेंगे चैंपियन, ये पूरी तरह से कंफर्म है। और भाई जो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखा होगा, समझा होगा, उसे पता चल गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।